हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का रेसिपी है आंवला की अचार, यानी कि आंवला की पिकल, जो बहुत ही टेस्टी चटपटा बना है। ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आंवला की सीजन है, सर्दी आ चुकी है। सर्दियों में बहुत इजीली आंवला मिलते हैं बाजार में, तो इसका लाभ उठाइए, घर में आंवला की पिकल बनाइए, जो बहुत ही हेल्दी होता है। आंवला विटामिन सी में भरपूर होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, तो इसे एंजॉय कीजिए घर में बनाकर। तो रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इंग्रीडियंट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए आंवला, क्योंकि आंवला की ही रेसिपी है। तो आंवला की पिकल के लिए हमें आंवला लिया है 500 ग्राम गूजबेरी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे थोड़ा बॉयल करना है। देखिए, मैंने पानी ले लिया है, गैस को भी ऑन कर दिया है, और आंवला को सबसे पहले धो लीजिए अच्छे से, और फिर ऐसे पानी के साथ 5 मिनट बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आपको इसे बॉईल करना है। तो इस साइड में ये बॉईल हो रहा है, तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं अचार के लिए। तो सबसे पहले हमने डाला है जीरा, उसके बाद सौंफ, फनेल सीड जिसको बोलते हैं, और अच्छे से 1-2 मिनट तक भूनना है। भूनने के बाद ही लास्ट में डालना है मस्टर्ड सीड, योलो मस्टर्ड सीड, राई जिसको बोलते हैं, और राई को ज़्यादा मत भूनिए तो कड़वा हो जाएगा। जस्ट लास्ट में देकर गैस को बंद कर देना है कुछ देर चलाकर, और ऐसे इसे ग्राइंड करना है, थोड़ा दरदरा ग्राइंड करना है। देखिए थोड़ा गर्म है, और इस तरफ आंवला बॉयल हो चुका है। 5 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इसे छान लेना है, ठंडा पानी से धो लेना है। और देखिए इस तरफ मसाला हमें ग्राइंड करना है, ये देखिए एकदम दरदरा। अब आंवले को हमें छोटा छोटा पीसेस करना है, थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, और ठंडा पानी से आप धो सकते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ऐसे पीसेस में कट कर लेना है। सारा मैंने कट कर लिया धीरे धीरे, और भी छोटा छोटा पीसेस आप कर सकते हैं। अब लेना है हमें अदरक और हरी मिर्च, ग्रीन चिली, एंड थोड़ा सा आंवला, एक पेस्ट हमें मसाला तैयार करना है अचार के लिए। और ये है कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी को मैंने थोड़ा स्लाइस कर लिया है, ये भी सर्दियों में आसानी से मिलता है और बहुत हेल्दी होता है, तो अचार में मैं थोड़ा इसे ऐड करूँगी, आप भी करना, बहुत हेल्दी होता है। कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का तेल, 1/2 कप सरसों का तेल हमने डाला है, और अच्छे से गर्म कर लेना है। और उसके बाद हमें डालना है कलौंजी सीड्स, मैंने थोड़ा सौंफ डाला है, फनेल सीड्स, एंड मेथी सीड्स डाला है, 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स। और उसके बाद हमें ऐड करना है तेल में ये कच्ची हल्दी, रॉ टर्मरिक स्लाइस किया हुआ, और उसके बाद ही हमें डालना है जो आंवला की पेस्ट हमने तैयार की थी अदरक हरी मिर्च के साथ, उसे डाल देना है, और थोड़ी देर फ्राई करना है, बहुत फ्राई नहीं करना है, थोड़ी देर फ्राई करना है। अच्छे से मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा फ्राई करना है, ताकि कच्चा टेस्ट ना रहे। इसलिए देखिए तेल सूख चुका है, ये भी थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर में ऐड किया है मैंने गुड़, यानी कि जैगरी, तो खट्टा मीठा टेस्ट बैलेंस हो जाएगा, इसलिए ऐड किया है गुड़।
3 टेबलस्पून मैंने गुड़ ऐड किया है क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है। तो गुड़ को मेल्ट होने देना है हमें और उसके साथ हमें ऐड करना है थोड़ा विनीगर। विनीगर से क्या होगा देखिए, ये 1 टेबल स्पून मैंने विनीगर ऐड किया है। अचार बहुत दिन तक अच्छे रहेंगे आपका, खराब नहीं होगा। और उसके साथ ही ऐड किया है थोड़ा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और अलग से मैंने थोड़ा सरसों के तेल गरम कर लिया है अचार में डालने के लिए। ये ऐड कर दिया है मैंने आंवला जो स्लाइस मैंने किया था, और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करना है। ये तो हल्दी, टर्मरिक पाउडर, और अच्छे से मिक्स करना है सारे मसाला के साथ आंवला को, आंवला का जो स्लाइस मैंने किया था मिक्स करना है। और फ्लेम को हमेशा मीडियम पे ही रखना, बहुत हाई नहीं करना है। और अब ऐड किया है जो ड्राई स्पाइसेस हमने किया था पाउडर, उसको ऐड करना है। और उसके साथ ही जो अलग से सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया था उसे भी ऐड कर दिया है क्योंकि अचार सूखा सूखा लग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा तेल ज़रूरी है ताकि अचार ज़्यादा दिन तक अच्छे रहे, वो सॉफ्ट हो जाए, इसलिए थोड़ा तेल ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हो चुका है मिक्स अच्छे से। और लास्ट में मैंने ऐड किया है नमक, रॉक सॉल्ट मैंने ऐड किया है सिंधा नमक, आप कोई भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देना है, बहुत देर तक इसे कुक नहीं करना है। और इसे एकदम ठंडा करके ही कंटेनर में डालना। देखिए रेडी हो चुका है और 2 दिन के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है खाने के लिए, बहुत इजी है। कंटेनर को ड्राई एंड क्लीन कंटेनर में ही अचार को डालना ताकि वो बहुत दिन तक अच्छे रहे, 2-3 महीने तक ये खराब नहीं होगा, अच्छे रहेंगे। और बहुत दिन तक अच्छे रहने के लिए बहुत सारा तेल आपको डालना है अचार में, ऊपर से गरम करके तेल को फिर ठंडा करके ऊपर से डालना होगा, तभी वो अचार 1-2 साल अच्छे रहेंगे। तो अचार रेडी हो चुका है पराठों के साथ, राइस के साथ, किसी के भी साथ। आंवले की अचार बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, आंवला खाना बहुत हेल्दी भी है। तो इसी तरह आंवला को एंजॉय कीजिए। तो रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।